मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हुए कि मुलायम सिंह यादव जी हिंदुस्तान के एक बहुत ही गणमान्य प्रतिष्ठित और अत्यंत सम्मानित समाजवादी पार्टी के लीडर रहे हैं और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। अनेक तरह से वो प्रख्यात थे, उनकी निधन हो गई है। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदमी निधन की बात नहीं करे, जीवन की बात करे, जीने की बात करे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चर्चल एक बंधी जंजीर। कोई जीते हैं कोई मरते हैं, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वो आदमी जब जिंदा है तो क्या वो जिंदा है कि वो लाश है? जिंदा वो है जो अत्यंत काबिल है, समझदार है, जिम्मेदार है, मानवता के कल्याण के लिए हर क्षण प्रयत्नशील रहता है, जिसका जीवन का एक ही लक्ष्य है, हर आँख की आँसू पोसे, सबों से प्यार करे, जीव जंतु पशु पक्षी और सारे मनुष्य को अपने परिवार का सदस्य समझते हुए पूरी मानवता के लिए अपने कार्य और अपने जीवन के हर क्षण को समर्पित कर दे, सबों की खुशहाली में अपने जीवन में खुशी देखे, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे और भूल से भी कभी जीवन में लोभ लालच काम क्रोध मद लोभ मोहिष्या द्वेष कलह नफरत नाराजगी को जगह नहीं दे। वो पहले ही मर गया जो पशु प्रवृत्ति से प्रेरित हो, जो केवल स्वार्थ के लिए जीता हो, स्वार्थ की राजनीति करता हो, वंशवादी हो, जातिवादी हो, धर्मवादी हो, पाखंडी हो, वो तो पहले ही मर गया मेरे भाई। इसीलिए मैं तो सबों का हूँ और सब हमारे हैं, यही मेरा सिद्धांत रहा है। क्योंकि मैं फकीर योगी वृंद योगी योग विद्या से पूरे मानवता को अपना परिवार का सदस्य समझता हूँ, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझता हूँ। इसीलिए मेरे दोस्त स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जो समझदार हो जाएगा वो मृत्यु की फिक्र नहीं करेगा, न बुढ़ापा की फिक्र करेगा, वो हर क्षण हर पल हर सांस में अपने आप को मानवता के कल्याण के लिए समर्पण की भावना से कार्यरत रहेगा। मेरा उद्देश्य है कि मैं पूरे दुनिया में, और शुरुआत इसका हो हर स्कूल हर कॉलेज में, वहाँ मुझे लोग बुलाएं और मुझे अवसर दें कि उनको जीवन जीने की कला सिखाएं, उन्हें ये सिखाएं कि कुछ हो न हो पहले एक सच्चा इंसान बनो। एक सच्चा इंसान समझदार होता है, वफादार होता है, जिम्मेदार होता है, सत्यनाय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रवाह में चलते हुए अपने आप को इतना उत्सर्ग और उन्नतिशील प्राणी बनाता है कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। उसका हर क्षण हर पल हमेशा लोगों की भलाई, पूरी पृथ्वी की सुरक्षा शांति में बीतता है। आज का विश्व अहंकार से भरा हुआ है, तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं भर गई हैं, पुतिन मतांध हो चुका है, बाइडेन धमका रहे हैं, जेलेंस्की उसे चैलेंज कर रहे हैं, और ये सारे मूर्ख हैं। आप घबरा जाओगे कि ये फकीर योगी वृंद योगी फकीर होके इतने बड़े बड़े राष्ट्रपतियों को, राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से कीड़े मकोड़े की तरह क्यों बात कर रहे हैं? भाई मैं तो फकीर हूँ का मतलब गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हूँ। मैं राजपाट के लिए नहीं जीता, मैं सत्ता और शक्ति के लिए नहीं जीता, मैं तो शांति के लिए जीता हूँ। शांति ही मेरा जीवन है। शांति केवल मनुष्य जाति के लिए नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य के लिए शांति हो। एक वैज्ञानिक होने के नाते मैंने मार्कोनी, चार्ल्स डार्विन जितने भी महान व्यक्ति थे उनकी तरह सबों को जोड़ता हूँ। हर लोगों को जोड़ने की जो परंपरा हमने अपने योग विद्या में सीखा है उसी का अमल करता हूँ। आओ मेरे देश के और दुनिया के सारे बानर भाइयों, हम मरने की फिक्र नहीं करें, जीने की फिक्र करें और जिम्मेदारी से जिए। जिए तो ऐसे जिए कि हम दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाएं, शांति लाएं, ज्ञान का दीप जलाएं, सूर्य की तरह सबों से उत्तेजित ज्ञान का प्रकाश फैले, जहाँ की दुनिया में सारी अंधकारी दूर हो जाए, अज्ञानता का, निराशा का, काम क्रोध मद लोभ मूर्छा द्वेष नफरत नाराजगी का, ये सदा सदा के लिए जो राहु के तो ग्रहण लगा है उसका विनाश हो जाए। तो चलो जीने की कला सीखें। मरना क्या है? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, जाना ही पड़ेगा उनको। कबीरा, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम से जग रोए। ऐसी करनी क्या करेंगे भाई? सबसे पहले अपने शरीर और मन को नियंत्रित करते हुए, मानवता के कल्याण के लिए सद्गुणों का सहारा लेते हुए,
ज्ञान की रोशनी फैलाते हुए लोगों को सर्वशक्तिमान बना देना है, जिससे कि वो सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के ऊपर चले, जिनके जीवन में हर क्षण अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का जोश हो, जिसके हर मन रोम रोम में समाया हो, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा, परिधारा, प्रत्याहारा, और इन विचारों को धारण करते हुए ध्यान लगाने से सारे मनुष्य के जीवन में रोशनी आएगी और कोई भी न बुढ़ापे से डरेगा, न मरने से डरेगा, न कभी भय होगा। अरे भय भी तो होता है जो पापी है, कलंकी है, नियमों का जो पालन नहीं करता। ईश्वरा परिधाना का मतलब जो प्रकृति के नियम कानून कायदे हैं उसे वंचित रहा है और जंगली जानवरों की तरह स्वार्थ के लिए हमेशा खून की नदियाँ बहाई है। शुरुआत से ही ये सभ्यता इन दारिंदों से धरती को खून की नदियाँ बहाई। आओ मेरे दोस्त, मोदी, पुतिन, बाइडन, जेलेंस्की और जितने भी हमारे मैक्रो जैसे महान शांति के दूत हैं, विश्व शांति के लिए प्रयत्न करें और मनुष्य की सुरक्षा के बाद जीव जंतु, पशु पक्षियों का भी सुरक्षा हो, जिसे प्रकृति, ये पृथ्वी माता का जीवन और लंबा हो, नहीं तो विनाश हो जाए। इसीलिए हमारा दोस्त अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मुझे पता नहीं कि तृतीय विश्वयुद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन ये सत्य है कि चौथा विश्व युद्ध होगा लाठी से, पत्थरों से, सोटों से, स्टोन युग में हम चले जाएंगे, सब विनाश हो जाएगा, सबका सर्वनाश हो जाएगा। तो मरने से मत डरो, जीने की कला सीखो और शांति से जियो और सबको जीने। ओम शांति, सर्वत्र शांति, विश्व शांति। धन्यवाद, थैंक यू।